और ऐसा साथ सहकार मिलते रहेंगे ना तो एक दूसरे को प्रबत भाई हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और सब कुछ जो अपनी धरोहरें हैं आजकल लुप्त होती जा रही है प्रबत भाई, हमारे बच्चे को पता नहीं है ये क्या है, क्या है, सही है ना। तो ऐसी ऐसी धरोहरें हैं, ऐसा मंदिर है, हम लोग इस द्वारा ये मीडिया के माध्यम से सबको पता चले, हमारे लोग जो बाहर है उसको भी ये सब जानने को मिले, तो ऐसी हमारी कोशिश है। तो आप लोग कहीं भी है ये देख सकते हैं, अभी सज्जन दर्शन कराइए, जाइए भवंतेश्वर महादेव का, देश वाले विदेश वाले और आपके पर कृपा रहे महादेव की, थैंक यू मेरी प्रार्थना। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत आभारी है, बहुत आभारी है, हमारा साथ देने के लिए इतना ही काफी, हम तो एक एक आदमी को चुनते हैं कि जो ऐसे ऐसे आदमी जो मिलते हैं ना तो हमारा भाव ये होता है, और प्रभु भाई आपको हम तो जानते हैं पहले से। दोस्तों अभी आप दर्शन कर सकते हैं मोटवाड़ा गांव के अंदर, जो आप लोग कभी आए यहाँ पे तो परबत भाई 20 किलोमीटर की रेंज होगी पोरबंदर से मोटवाड़ा, 25 हाँ 25 किलोमीटर की रेंज पे है, जो आप भगवदर से फिर हर्षद रोड जाते हैं वो रास्ता के किनारे पे आप मुड़ के सिर केशव रोड जाता है, वहाँ पे मोटवाड़ा लीलबाई माता जी का सानिध्य है, उसके बाजू में ये भवंतेश्वर महादेव का है, और आप अभी दर्शन कीजिए, ये जो हर एक मंदिर में होता है नंदी महाराज, फिर उसके आगे यहाँ कछुआ भी है, तो ये महादेव का सानिध्य बहुत प्रभावशाली है। और सज्जन हम लोग जो ये शिवलिंग का दर्शन करते हैं ना तो देखिए कितनी पुरानी होती है, सही बात है, दर्शन कर सकते हैं आप कहीं भी है, आइए थोड़ा। हर हर महादेव, हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बहुत ही अच्छा साथ दिया सज्जन, हाँ। जो बापू ने प्रबोध भाई धीरू भाई है जो यहाँ पे स्थानिक है, तो सुर में सुर मिला और हम लोग भवंतेश्वर को थोड़ा जागृत करते हैं। तो हर हर महादेव, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की भी तस्वीरें लगी हुई है, जो सोमनाथ है, केदारनाथ है, सज्जन माँ लीलबाई माँ की भी अंदर तस्वीर है, त्रिकम जी बापू की भी है, दोस्तों आप लोग दर्शन कर सकते हैं कहीं भी है हमारा ये व्लॉग में, सज्जन एंड विजय व्लॉग में आप लोग दर्शन कीजिए भवंतेश्वर महादेव, ये मोटवाड़ा गांव के अंदर है। ओके दोस्तों, तो हमने दर्शन करवाया भवंतेश्वर महादेव का शिवलिंग का, हाँ। उसके सामने यहाँ पे जो हर मंदिर में होते हैं सज्जन, हाँ। नजदीक होते हैं लेकिन यहाँ थोड़े बाहर, हाँ। की तरफ है ये मंदिर, ये है गणेश, हाँ, गणपति बापा, हाँ गणपति बापा, तो ये यहाँ पे बापू एक बाजू में भी, हाँ रिद्धि सिद्धि, हाँ रिद्धि सिद्धि, हाँ ये गणपति और रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा यहाँ है, हाँ। तो ये जो हरेक अच्छे कार्यों में साजन इसकी, हाँ, स्थापना होती है, ये वरदान है, हाँ। जहाँ भी आप शुभ कार्य करते हैं, हाँ। तो वहाँ गणपति की स्थापना होती है, तो ये मंदिर थोड़ा बाहर की तरफ है यहाँ, हाँ। पे भवंतेश्वर महादेव, हाँ। का, तो आप लोग दर्शन कीजिए, ये गणपति की जो प्रतिमा है पत्थर में से बनाई हुई साजन, लेकिन बहुत पुरानी लगती है बापू, ये भी बहुत सालों पहले, हाँ हाँ, ये भी मंदिर के साथ ही बना हुआ है, तो ये गणपति जी की है सज्जन, फिर इस तरफ आप आएंगे तो हनुमान जी, पवन सूत हनुमान, बजरंग बली की यहाँ भी प्रतिमा है जो आमने सामने होती है, ये दोनों मंदिर के आगे के भाग में है, तो ये दर्शन कीजिए आप कहीं भी है भवंतेश्वर सानिध्य के अंदर, ये पवन सूत हनुमान जी, अंजनी ना जाया, बोलो बजरंग बली बापा की जय। फिर सज्जन इस यहाँ से हम लोग जो पीछे की तरफ जाएंगे, हाँ।
तो इस साइड में हाँ। दो मंदिर हाँ, है और ये मंदिर सहजन ऐसा है चार स्तंभ की तरह है हाँ, दो मंदिर आगे है और दो मंदिर ये जो बड़ा मंदिर है भमतेश्वर का उसके पीछे की साइड में है। हम लोग जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे है गायत्री माँ की स्थापना है हाँ, हाँ। ये भमतेश्वर मंदिर के गायत्री मंदिर सजन जो ब्राह्मण लोगों को जहाँ भी होते हैं तो ब्रह्म समाज के लिए तो गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र का उच्चार गायत्री मंत्र जो गायत्री मंदिर ये सब कुछ यहाँ पे विराजमान है माँ गायत्री और गायत्री मंत्र सबसे हवन होम में ज्यादा मान्यता होती है। फिर सजन इस तरफ जाएंगे हम तो यहाँ पे है माँ आशापुरा, ये ब्रह्म समाज की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है हाँ आशापुरा माँ। ये है आशापुरा माँ की प्रतिमा यहाँ पे हाँ। ये दोनों मंदिर जो भमतेश्वर महादेव के सानिध्य के अंदर तो दर्शन कीजिए आप कहीं भी है आशापुरा माता जी का जो कुलदेवी के रूप में स्थापित है ब्रह्म समाज की मोढ़वाड़ा के अंदर। ओके ओके दोस्तों फिर ये भमतेश्वर मंदिर के सानिध्य के अंदर यहाँ स्थापना है मामा देव की और बापू बता रहे हैं शीतला माता है। बापू इसका थोड़ा क्या इतिहास आप बता रहे थे कि आगे से મામા દેવ જાય તરાવણી પાડો કરતા હા પછી આ સમારકામ કર્યું એટલે પછી અંદર લઈ ગયા કેમ કે કાયમ પૂજાપાઠ થાય ને બરોબર આ બાજુમાં બહાર હતા હા એટલે આ સમારકામ થી જાય અંદર લઈ લીધા પૂજાપાઠ થાય બરોબર અરે એ સબ બાકી આ શિવલિંગ છે ને કોઈ ઘરે હોય ઘરે પહોંચી ને એટલે અહીંયા મૂકી જાય તો પૂજાપાઠ થાય બરોબર હા तो ये સાજન મામા की स्थापना थी आप दर्शन कराइए। ये थोड़ा बाजू में थे यहाँ जो तालाब की एक यहाँ पे पार्वती तो ये फिर अंदर यहाँ पे पूजा पाठ के लिए उसकी जो विधि से होता है यहाँ पे स्थापना की हुई है तो ये भी सानिध्य के अंदर आता है और यहाँ जो शीतला माँ का रूप में भी यहाँ पे जो स्थापित है तो ये सब है भमतेश्वर मंदिर के अंदर मामा देव की स्थापना। ओके दोस्तों जो भमतेश्वर महादेव ना हमने दर्शन किया आपको भी करवाया और सबसे बड़ा इतिहास सजन आपका पसंदीदा है ये जो हम लोग अभी खड़े हैं ये आप कहीं भी जाते हैं तो ये जो रिनोवेशन कर देते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता कि क्यों बंद किया ये बंद करते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं ऐसा धीरू भाई हम गया था एक गांव में तो वहाँ ऐसी बहुत पुरानी वाव थी बंद कर दी आधे घंटे से साजन ने बहस की कि क्यों ऐसा किया ये तो हमारा इतिहास है। तो दोस्तों कहीं भी है ये जो वाव है ना हमने साजन विकिया वाव में देखा था और जेता वाव है जो फिर हमारी कहे वाव है तो ऐसी ऐसी वाव जो होती है ना ये हमारी धरोहर मेन है। तो आनो इतिहास बापू आना हरे छे ना मंदिर हाँ हाँ मित्रों ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम की भी लिमिट होती है। और ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये भमती वायु का नज़ारा हम कल ज़रूर बताएंगे तो बने रहना हमारे साथ और ज़रूर कल ये वीडियो ज़रूर देखना।